नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर। जान दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापत। दोस्तों आज का वीडियो है, हम अपने पुराने सिक्के व नोट कैसे सेल करें, कलेक्शन के लिए रेयर कॉइन कहां से खरीदें। दोस्तों हमारे कई वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए हैं और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं। सभी का एक ही सवाल है, हमने अपने पुराने नोट व सिक्के कहाँ सेल करें और कहाँ बिकेंगे और कौन खरीदेगा। दोस्तों आपके कमेंटों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने पुराने नोट और सिक्के आसानी से कहाँ से खरीद सकते हैं और कहाँ इन्हें सेल कर सकते हैं, कुछ आसान तरीकों से। दोस्तों खरीदने और बेचने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, शुरू से अंत तक। वीडियो स्किप मत करना वरना जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिक्के और आपके नोट में कुछ खास बात होनी चाहिए, तभी आसानी से सेल हो पाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कॉमन सिक्के और कॉमन नोट तो सभी के पास होते हैं। ये कॉमन सिक्के बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मार्केट में ऐसे सिक्कों की कोई डिमांड नहीं होती। उन सिक्कों की डिमांड होती है जो कि रेयर हैं या स्केयर हैं, ऐसे कॉइनों की मांग होती है जो आसानी से नहीं मिलते। आपके पास भी अगर एंटिक नोट है, एंटिक कॉइन है, तो ऐसे नोट और कॉइन बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। ये सिक्के नोट ऐसे होने चाहिए कि एरर कॉइन, फैंसी नंबर नोट हो, म्यूल कॉइन नोट हो या म्यूल कॉइन हो या ओमएस कॉइन हो या रेयर कॉइन हो या फिर स्केयर कॉइन हो या फिर ब्रिटिश इंडियन कॉइन या फिर नोट हो या फिर सिल्वर कॉइन हो या फिर कोई लोन डाई वैरायटी सेट हो, तो ऐसे सिक्के आसानी से कोई भी खरीद लेगा। दोस्तों आपने कुछ यूट्यूब वीडियो देखी होगी जहां पर पुराने नोट व सिक्कों की कीमत लाखों रुपये बता देते हैं। आपने देखा होगा 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट की कीमत 10 लाख रुपये तक बता रहे हैं, जबकि ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा UNC नोट की 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है। दोस्तों YouTube पर ऐसी काफ़ी वीडियो है जो कॉमन नोट की कीमत लाखों में बता देते हैं, ऐसी फेक वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों YouTube पर कई ऐसे चैनल हैं जो सही जानकारी देते हैं, उनकी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों सभी पुराने व सिक्के नोट की कीमत लाखों में नहीं होती है, इनमें से कुछ ही ऐसे सिक्के व नोट हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जहां आप अपना पुराना सिक्का खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉइन एग्जीबिशन की। दोस्तों कॉइन एग्जीबिशन में आप अपने कलेक्शन के लिए सिक्के खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भारत के जाने माने कॉइन कलेक्टर आते हैं जो सिक्कों को खरीदते हैं और सेल भी करते हैं। दोस्तों हर महीने कहीं ना कहीं कॉइन एग्जीबिशन चलते रहते हैं और इनकी पूरी जानकारी हम अपने वीडियो में आपको देते रहते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है जिसके देखते हुए सभी कॉइन एग्जीबिशन पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं, जबकि कॉइन एग्जीबिशन की शुरुआत होगी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों जब भी आपके पास आस पास कॉइन एग्जीबिशन जरूर होंगे तो आप पुराने रेयर कॉइन और नोट सेल कर सकते हैं और कॉइन एग्जीबिशन में जाकर देख सकते हैं कि कहाँ और कैसे सेल होते हैं और कैसे खरीदे जाते हैं। दूसरा तरीका है वह है कॉइन शॉप। अगर आप किसी शहर से हो तो कई शहरों में कॉइन शॉप होती है। कॉइन शॉप वाले पुराने नोट व सिक्के बेचते हैं और खरीदते भी हैं। कॉइन शॉप वाले सिक्के बेचने के लिए कहीं ना कहीं से सिक्के खरीदते हैं, तभी आगे वे सेल करते हैं। अगर आपके पास भी पुराने सिक्के हैं और बेचना चाहते हैं तो आप जरूर कॉइन शॉप पर जाकर संपर्क करें। तीसरा तरीका है कॉइन ऑक्शन हाउस। दोस्तों कई बड़े शहरों में कॉइन ऑक्शन हाउस होते हैं, सिक्के बेचने का काम करते हैं। ऑक्शन हाउस से आप तभी संपर्क करें जब आपके पास जो नोट या कॉइन है वो वास्तव में रेयर है, एंटिक कॉइन है या एंटिक नोट है, तभी संपर्क करें। जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है तभी वो सिक्का बेचा जाता है। ये कॉइन ऑक्शन हाउस वाले सिक्के की नीलामी के लिए रखते हैं और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाती है उसे वो सिक्का सेल कर दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम तरीका है वो है फेसबुक। फेसबुक
के माध्यम से हम अपने सिक्के कैसे खरीद सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे जो वीडियो देखे जाते हैं वो वीडियो 30% हमारे सब्सक्राइब देखते हैं, 70% लोग हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। दोस्तों आप सभी से है रिक्वेस्ट, अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को भी दबाएं। ताकि दोस्तों फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग फेसबुक के माध्यम से सिक्के की सेल और परचेज करते हैं। दोस्तों सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, फेसबुक के माध्यम से आप अपने सिक्के सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक ग्रुप पेज को ज्वाइन करना होगा। ये प्राइवेट ग्रुप पेज होते हैं, इन पेज के कुछ नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वरना ग्रुप एडमिन आपको ब्लॉक भी कर सकता है। दोस्तों फेसबुक बहुत ही बड़ी सोशल साइट है जहां पर आपको ईमानदार बायर मिलेंगे, वहीं कुछ फ्रॉड लोग भी आपको मिल सकते हैं। कुछ सावधानी की जरूरत होती है, इसके लिए आप जब भी फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद देखें यहाँ कैसे काम होता है, 2 या 3 दिन तक देखें। दोस्तों किसी भी फॉरेन डीलर से संपर्क ना करें, क्यों, हो सकता है कि वो फ्रॉड हो। अगर आप सिक्के बेच रहे हो तब तो कोई बात नहीं, अगर आप पुराने नोट व सिक्का खरीद रहे हो तो पेमेंट के लिए उस बायर से रेफरेंस जरूर लें, बिना रेफरेंस के कुछ भी काम ना करें। कुछ फेसबुक पेज पर एडमिन ने बायर को फेसबुक ग्रुप आईडी दे रखी है, उस ग्रुप आईडी को जरूर देखें, चेक करें। सबसे मोस्ट बात, आपको भी फेसबुक ग्रुप में ईमानदारी से काम करना होगा। दोस्तों अगर आपने मन में कोई सवाल है या फेसबुक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज भारतीय करेंसी को ज्वाइन करके मैसेज करें, जो पूछना हो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों फेसबुक पर सभी तरह के कॉइन नोट बिकते हैं और यहाँ पर इनकी कीमत भी जेन्युइन होती है। दोस्तों यहाँ फेसबुक पर 2 तरीके से नोट सेल एंड परचेज किए जाते हैं। पहला तो किसी भी सिक्के या नोट की पोस्ट डाली जाती है जिसमें आपको कमेंट के द्वारा उस पोस्ट में उस सिक्के की प्राइस जान सकते हैं। अगर आपको प्राइस जेन्युइन लगती है, सही लगती है उस सिक्के की प्राइस, तो आप उस सिक्के को खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है फेसबुक पर सिक्का बेचने और खरीदने का, सिक्के को नीलामी के लिए रखा जाता है जिसमें एक तारीख और एक समय दे दिया जाता है उस पोस्ट में, और उस पोस्ट या टाइम के दौरान जिसकी भी सबसे ज़्यादा बोली होगी उस सिक्के को सेल कर दिया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल बटन को भी दबाएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।